जहाँ संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आपको अंजीर के बारे में एक अपडेट देने जा रहे हैं, और वो अपडेट है कि लोगों की शिकायत रहती है, बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे पास में कि हमारे फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। देखिए, वैसे ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। वो पौधे तैयार करते हैं और उनको जो है फल आने से पहले ही वो गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं, इसके कई कारण हैं। मैंने देखा है कि YouTube पर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। कोई बोलता परागण नहीं होता, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, 50 बातें इसमें होती हैं। लेकिन देखिए, ये अक्टूबर 20 तारीख है और हमारी अंजीर सब लगी हुई हैं। बताइए, इसमें कौन सी पकने वाली नहीं है, कौन सी गिर रही है, क्या इसमें खराबी है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखिए, ये अंजीर ये पक रही है। सर्दी का मौसम है, अगर ये जुलाई का महीना होता, जून का महीना होता, तो ये बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर की और रस भरी होती, तो ये पकने में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन फल गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, पहले झड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो जड़ हैं, इनके अंदर आपको देशी खाद लगाना चाहिए। इसके अंदर अगर हमारे पास में न्यूट्रिएंट भरपूर होंगे तो हमारे फल नहीं गिरेंगे। एक इसका स्पेशल राज, जो कि बहुत ही खास राज होता है, उसका राज है कि फल ना गिरे, कि इसका जोर अगर पत्तियों पर ज्यादा होगा, जिसके पत्ते होते हैं, तो कब जब इस पे फल आते हैं शुरू में, तो बहुत ज्यादा जो है पत्ते होते हैं, तो इनका पत्तों के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। पेड़ का जितने भी न्यूट्रिएंट, जितने भी ये भोजन प्राप्त करते हैं, उतना ये पत्तों में चला जाता है। तो इनके पत्तों को थोड़ा थोड़ा जो है आपने इनको तोड़ना है, नीचे से साइड से आपने इनको तोड़ देना है इस तरीके से। तो इनका जो है, जो फल है, जैसे कि ये लग रहे हैं, ये फल कभी भी टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। इनके ऊपर पूरा का पूरा जो है इनका जान रहेगी, इनका ताकत बढ़ाएंगे और ये फल कभी भी आपके नहीं गिरेंगे। दूसरा, इनमें पानी ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा मात्रा में होगा तो इनमें गलन फैल जाती है और ये गिरने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अंजीर है, ये प्रोनिंग मांगता है। साल भर में अंजीर की प्रोनिंग जरूर कर देनी चाहिए। अगर आप प्रोनिंग नहीं करेंगे तो आपके उसमें जो है ज्यादा जोर पत्तियों पर रहेगा और ये जो है आपके नहीं होंगे, पे फलों पर कमजोर पड़ जाएंगे। साथ ही साथ ये देखिए, इधर मैं आपको दिखा दूं, ये सारी। अब मेन प्रॉब्लम इसमें एक और आती है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, फफूंद की। अगर इनमें फफूंद आ जाती है तो ये जो फूल हैं, ये जो फल हैं, ये पीले पड़कर और गिरने लगते हैं। जो फल हैं ये टूटकर गिरने लगते हैं। तो इन फलों को रोकने के लिए आपको फफूंद नाशक, चाहे वो आप प्राकृतिक तरीके से करें या आप जो हैं ऑर्गेनिक तरीके से करें या आप जो हैं रासायनिक तरीके से करें, तो ये जो फफूंद नाशक है उसका प्रयोग जरूर करना है। प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो आप 10 पर्णी अर्क बनाएं, और 10 पर्णी अर्क बनाने के बाद आप इसका हफ्ते में 2-3 बार स्प्रे जरूर करें, तो पौधे के ऊपर कोई फफूंद नहीं आएगी। अगर फफूंद नहीं आएगी तो आपके जो ये जो फल लग रहे हैं ये नहीं टूटेंगे, ये आपके मजबूत रहेंगे और
परिपक्व होकर ही इनको आप तोड़ेंगे। तो देखिए ये जितने भी हमारे लगे हुए हैं सब इनमें कोई फफूंद नहीं है और सभी जो हैं बहुत ही अच्छे दर्जे के और बहुत ही बढ़िया, ये देखिए टहनी की टहनी जो हैं लिसी हुई हैं। तो इनका हमने पक्का ध्यान रखना है, केयर जरूर करना है, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपके फल गिरेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पेड़ों की देखभाल जरूर करें। एक बात और भी है कि इसमें कॉपर की कमी से भी फल गिरने लगते हैं। तो कॉपर की कमी किस तरीके से होती है मैं आपको बता दूं। ये कॉपर जो है फल को मजबूती लाता है। कॉपर ऑक्साइड जो क्लोरोक्साइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके फल गिरने लगे, कार्बन डाइजिम 0.2% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपके फल नहीं गिरेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपनी अंजीर को अच्छा बनाकर रख सकते हैं और इसका समय पर आप इसका फल ले सकते हैं। तो ये है इसकी अपडेट और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो फल हैं ये नहीं गिरेंगे। किसी ने बताया कि ये जो फल हैं इनके अंदर यहाँ पर छेद कर दीजिए। अगर इसमें छेद करते रहेंगे, इसमें हजारों फल हैं तो क्या आप हजारों फलों में छेद करेंगे? ये इम्पॉसिबल है। इसका उपचार जो है 10 पन्नी अर्क का स्प्रे करें जिससे कि फफूंद ना लगे और इसको जो है कब पानी की कम मात्रा हो, पानी निकल जाना चाहिए और समय समय पर इसकी प्रूनिंग अगर आप करते रहेंगे तो फल आपके कभी भी नहीं गिरेंगे और नए नए फुटेर नए नए फल इसमें हमेशा आपको आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अच्छा दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।